टुवालो में एक्लिप्स गर्ल्स की मान्यता ये है कि स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वालों पर मुसीबतें एक के बाद एक स्टेज की तरह आती हैं, और उसी का एक हिस्सा है आग लगना। लेकिन इस बात पर प्रोटेस्टर्स बिलीव नहीं करते, और इसी लास्ट स्टेज को अंजाम देने प्रोटेस्टर्स के उस रूम में जहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट के सामान रखे थे जा पहुंचा एक। टीचर सानी भी स्कूल में राउंड लगा रही थी। एक वहां आग लगाने वाला था, पर उसी टाइम आयान उसे खींच कर एक कोने में ले आया। एक भी अचानक से चौंक गया। वो आयान को दूर करने की कोशिश करने लगा, पर आयान उस पर चिल्लाने लगा, एक तुम सच में ये करने वाले हो? तो इस एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहाँ टीचर चाड़ोक के प्रेजेंस में एक सेरेमनी हो रही थी। पहले के जो स्टूडेंट प्रिफेक्ट के लीडर थे वो अपने पद से रिटायर हो गए, और ये पद उन्होंने एक को सौंपी। एक बहुत एक्साइटेड था, उसका एक सपना जो पूरा हो रहा था। वो बहुत खुश था कि अब वो अपने स्कूल के लिए कुछ कर सकता है। प्रेजेंट में अयान एक को खींचकर एक कोने में ले आया, पर आवाज सुनकर टीचर सानी भी रूम की तरफ आने लगी। उन्होंने आवाज दिया, कौन है वहाँ? एक अयान दोनों घबरा गए, दोनों तुरंत एक तरफ छुप गए। टीचर सानी पूरे रूम को टॉर्च की लाइट से देखने लगी, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। वो उस साइड भी आने लगी जहाँ एक और अयान छुपे थे, पर वहां तो कोई भी नहीं था। मतलब एक अयान ने छुपने की जगह बदल दी थी। टीचर सानी भी रूम से बाहर आ गई, पर अभी भी उन्हें लग रहा था कि रूम के अंदर कोई तो है। इधर एक सवाल करने लगा, टीचर चली गई क्या? अयान बोलने लगा, शायद, पर अभी हमें रुकना होगा। फिर उसने कुछ सोचा और टीचर सानी को कॉल लगा दिया। टीचर सानी की कॉल रिसीव करते ही अयान बोलने लगा, मैम, मैंने शायद गलती से आपके असाइनमेंट में अपने हिस्ट्री का असाइनमेंट जमा कर दिया है, प्लीज आप देख लीजिए। टीचर सानी बोलने लगी, ठीक है अयान, मैं देख लूंगी, और मिलेगा तो टीचर वारे को जमा कर दूंगी। पर अयान तुरंत बोलने लगा, नहीं मैम, उसमें अभी भी वर्क करने बाकी हैं, आप प्लीज अभी देख लीजिए। अयान की रिक्वेस्ट करने पर टीचर सानी मान गई और वो SWD में आई। पर अंदर आते ही वहां उन्हें टीचर चाड़ोक दिख गए। टीचर सानी भी थोड़ी सरप्राइज हो गई, सर आप वापस आ गए? टीचर चाड़ोक भी बोलने लगे, हाँ, और यहाँ मुझे कुछ काम था तो इसीलिए आया था। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीचर सानी ने सच बता दिया, सर एक स्टूडेंट ने गलत सब्जेक्ट के असाइनमेंट मुझे जमा कर दिए हैं, उसे ही देखने आई थी। पर टीचर चाड़ोक को देखकर ऐसा लगा वो शायद टीचर सानी के आने से डिस्टर्ब हो गए। वो तुरंत वहां से चले गए। टीचर सानी ने भी अयान के हिस्ट्री असाइनमेंट को ढूंढना शुरू किया, पर असाइनमेंट वहां होगा तभी तो मिलेगा। उन्होंने अयान को कॉल बैक किया। इधर एक और अयान दोनों भाग कर अयान की कार में बैठ गए। दोनों लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगे। अयान का फोन बजा, कॉल टीचर सानी का ही था। एक तो बहुत घबरा गया, पर अयान ने बात संभाल ली। टीचर सानी ने अयान को बताया कि उन्हें असाइनमेंट नहीं मिला। अयान बोलने लगा, यस मैम, वो असाइनमेंट एक के पास था, उसने अभी अभी मुझे कॉल करके बताया, मैं भी आप ही को कॉल करने वाला था। टीचर सानी अयान की बात सुन तो रही थी, पर उन्हें बात अजीब लग रही थी और समझ में भी नहीं आ रहा था। कॉल कट करने के बाद अयान और लंबी सांस छोड़कर खुद को रिलैक्स करने लगा, क्योंकि वो दोनों लगभग पकड़ाने वाले थे। एक को भी अजीब लग रहा था, अयान ने उसे रंगे हाथ जो पकड़ लिया। एक अयान को थैंक्स बोलकर कार से उतरने लगा, पर अयान ने उसे रोक दिया, रुको एक, अभी हमारी बात बाकी है। फिर दोनों पहुंचे बीच पर, लेकिन एक अयान से दूर भाग रहा था। अयान फिर उसे रोक कर सवाल करने लगा, एक तुम ही हो जो सुभालो के कर्ज को वापस ला रहे हो? एक बोलने लगा, क्या कहना चाहते हो तुम अयान? अयान बोलने लगा, एक मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हें एक्सपोज करना होता तो उसी दिन कर देता जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। मैंने देखा था तुमने उस दिन गार्ड सीट के जाने का वेट किया, फिर कार को स्टार्ट कर दिया, और कार जब अपने पिकअप पर आ गई तो तुम वापस अपने रूल कीपर प्रिफेक्ट के रोल पर आ गए। इसके बाद मैंने जितना इस बारे में सर्च किया मैं उतना ही श्योर होता गया कि सुफालों में कर्ज को वापस लाने वाले और कोई नहीं तुम ही हो। अयान के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर एक की आंख में आंसू आ गए। अयान सवाल करने लगा, एक सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? एक जवाब देने लगा, मैं बस स्कूल के रेपुटेशन को बढ़ाना चाहता था, और मेरे प्रिफेक्ट होने के टाइम पर मैं उसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। अयान बहुत ज्यादा नाराज हो गया, एक तुम इस तरह से सिटी चीजें करके स्कूल के रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हो, एक तुमने जो किया है वो एक क्राइम है, अगर किसी को कुछ हो जाता तो तुम क्या करते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? यानी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास से कमला गिरने से लेकर सारे पोस्टर्स में खून लगाने तक सब कुछ एक नहीं किया था। एक रोने लगा, पर मैं उन्हें स्टॉप करना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी हर्ट हो, मुझे यह करना ही होगा, मैं सब चीजों को ग्रेट करना चाहता हूँ।
अयान उसे पकड़कर अपनी आंखों में देखने के लिए बोलने लगा, एक मेरी आंखों में देखो, हर चीज ग्रेट नहीं होती। तुम पूरे स्कूल के प्रॉब्लम को अपने शोल्डर पर नहीं उठा सकते। एक की आंखों से और आंसू बहने लगे। अगर मैंने ये नहीं किया तो सब मुझ पर डिसअपॉइंट होंगे। अयान उसे समझाने लगा, एक छोड़ो दूसरे लोगों को, तुम अपने बारे में सोचो। पर एक बहुत डिस्टर्ब था, वोट कर जाने लगा। अयान ने फिर उसे रोक दिया, एक तुमने एक बार कहा था कि तुम दूसरों के फीलिंग्स की केयर करते हो, इट मीन्स तुम अपने फीलिंग्स को इग्नोर करते हो। एक बोलने लगा, मैं अपने फीलिंग्स की केयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक स्टूडेंट प्रिफेक्ट हूँ। अयान ने तुरंत एक को हक कर लिया और बोलने लगा, एक तुम्हें कमजोर होने का अलाउड है, एटलीस्ट मेरे साथ। एक भी फूट फूट कर रोने लगा, उसके अंदर की तकलीफ फ्रस्ट्रेशन सब आंसू बनकर बाहर आने लगे। पर फिर उसने अयान को दूर कर दिया और वहां से चल दिया। अयान भी उसे आवाज लगाते हुए पीछे आ गया, एक मुझसे बात करो। एक सवाल करने लगा, क्या चाहते हो तुम मुझसे अयान? अयान सवाल करने लगा, एक सच बताओ, टीचर चाड़ोक ने तुमसे ये सब करने के लिए बोला है राइट? एक ने साफ इनकार कर दिया, अयान मैंने ये सब कुछ खुद किया है। अयान इरिटेट हो गया, एक क्यों तुम उन्हें बचा रहे हो? तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है क्या? देखो एक, तुम्हें ये सब बंद करना होगा वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। एक तुरंत बोलने लगा, अयान ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो। अयान बोलने लगा, ठीक है तुम इसे प्रॉमिस करो कि तुम ये सब बंद कर दोगे। एक ने भी बेमन से प्रॉमिस कर दिया, पर अयान उसे अपनी डायरी मांगने लगा। एक परेशान, अयान अब किस डायरी की बात कर रहे हो तुम? और तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर बिलीव करते हो कि डायरी मैंने नहीं ली है। अयान बोलने लगा, एक मैं बिलीव करता था पर आज जो मैंने देखा उस हिसाब से मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, अब मेरी डायरी मुझे वापस करो। एक परेशान, वो वहां से जाने लगा पर कमजोरी की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए। अयान ने तुरंत उसे संभाल लिया, लेकिन एक का पेट आवाज करने लगा। अयान को हंसी आने लगी, एक जब तुम्हें जोर की भूख लगती है तब तुम्हारा पेट ऐसी आवाज करता है क्या? एक थोड़ा झेप गया और अयान को दूर हटाकर वहां से चल दिया। दूसरी तरफ वाट बारिश वाली रात में अकेले कैमरा लेकर स्ट्रीट फूड के वीडियो बनाने लगा। टीचर सानी भी वहीं खाने आई थी, उन्होंने भी वाट को देख लिया। वाट तुम यहाँ? वाट भी मैडम को देखकर सरप्राइज हो गया। दोनों फिर एक टेबल पर बैठे, बारिश भी रुक गई थी। टीचर सानी बोलने लगी, अच्छा हुआ बारिश रुक गई, नहीं तो हमें कोई टेबल भी नहीं मिल पाता। वाट ने भी हाँ में आंसर किया पर वो स्ट्रीट फूड को बड़े इंटरेस्ट के साथ खा रहा था। टीचर सानी सवाल करने लगी, वाट तुम्हें इस तरह के फूड काफी पसंद है? वाट ने हाँ में आंसर किया, मैम मुझे इस तरह का खाना पसंद है क्योंकि ये मुझे हमेशा खाने को नहीं मिलता। मेरी मॉम हेल्थ के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है तो घर में बस हेल्दी फूड ही मिलते हैं। टीचर सानी भी वाट की बात समझ रही थी, फिर वो सवाल करने लगी, वाट तुम अकेले खुद ही फिल्मिंग करने आए हो क्यों? वाट टीचर सानी को बताने लगा, हाँ मैम, क्योंकि मैं जब भी एक और कान को फिल्मिंग के लिए आने को बोलता हूँ वो मना कर देते हैं। और मैम एक बात बताऊँ, मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना सीख रहा हूँ, आप देखना चाहेंगी? टीचर सानी भी एक्साइटेड हो गई। वाट ने उन्हें एक वीडियो दिखाया जिसमें तीनों जिगरे बड़े बिंदास तरीके से गा बजा रहे थे। मैडम भी हैरान थी, वो हंसने लगी, मैंने कभी प्रिफेक्ट ग्रुप के इस साइड को नहीं देखा था। कान का तो मैं सोच सकती हूँ पर एक के बारे में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वाट उन्हें बताने लगा, हाँ मैम, एक क्लोज फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती करता है। टीचर सानी भी वाट से एक के बारे में सवाल करने लगी, वाट एक किस टाइप का लड़का है? वाट उन्हें बताने लगा, मैम वो दिल का बहुत अच्छा है, एक अच्छा लीडर है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वही खड़ा हो जाता है, पर वो दिमाग से कभी कभी कमजोर हो जाता है। टीचर सानी बोलने लगी, स्पेशली टीचर चाड़ोक के सामने राइट? वाट ने भी हाँ में आंसर किया, यस मैम, टीचर चाड़ोक उसके आइडियल हैं। टीचर सानी फिर बोलने लगी, एक्चुअली मैं तुम्हारे ग्रुप के बारे में और जानना चाहती हूँ, मुझे बताओगे? वाट ने भी हाँ बोल दिया। इधर तोबू और कान भी असाइनमेंट बनाने के लिए कान के घर में आ गए। कान दो ग्लास दूध लेकर आया और एक ग्लास दूध उसने थोपू को पीने के लिए बोल दिया। थोपू भी असाइनमेंट बनाने में बिजी था, उसने कुछ चीजों को कान को याद करने के लिए बोला ताकि जब वो प्रेजेंटेशन पेश करे तो कान आंसर दे सके। पर कान परेशान, टीचर्स हमें असाइनमेंट देने से पहले सोचते क्यों नहीं? थोपू बोलने लगा, कान ये हमारी ड्यूटी है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। कान भी बोलने लगा, हाँ इसीलिए तो तुम आज यहाँ मेरे घर पर हो। थोपू भी बोलने लगा, कान मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, तुम्हें बस कंपनी चाहिए थी इसीलिए यहाँ आने के लिए तुमने मुझे ट्रिक किया। कान बोलने लगा, ये तो अच्छा हुआ ना इक्लिप्स भी पास आ रहे हैं तो तुम्हारा स्कूल में होना डेंजरस हो सकता है। थोपू बोलने लगा, मुझे क्या खतरा होगा, मैं थोड़ी ना कोई प्रोटेस्टर्स हूँ। कान तुरंत बोलने लगा, थोपू वहाँ तुम अयान के साथ होते हो तो मुझे बहुत जेलस फील होता है। कान ने तो फ्लो में सब कुछ बक दिया। थोपू उसे देखने लगा
कान को समझ आ गया कि उसकी जुबान फिसल गई है। उसने बात को बदलना चाहा। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे लिए वरिड हूँ। पर धोपू को अब हंसी आने लगी। कान भी थोड़ा झेप गया। धोपू को फिर उसकी मोम का कॉल आया। कान ने पूछा क्या बात है। धोपू उसे बताने लगा, मोम मुझे पिक करने नहीं आ रही है, मेरे स्टेप डैड मुझे लेने आएंगे। कान बोलने लगा, पर धोपू तुमने तो कहा था तुम उनके आसपास अनकंफर्टेबल फील करते हो। धोपू ने बस हाँ मैं अपना सर हिला दिया। अयान और एक भी बीच पर ही एक छोटे से स्टॉल में डिनर करने लगे। अयान एक को बोलने लगा, तुम जब खाते हो तो प्रिफेक्ट वाले ओरा को पूरी तरह साइड कर देते हो, मतलब एक जब खाना खाता है तो बस खाने में खो जाता है। एक अयान की बातों से नाराज हो गया। आए तुम मेरे बिजनेस में अपनी नाक घुसाना बंद करो, अयान बोलने लगा। तो फाइनली मिस्टर नाइस के मुंह से आवाज निकल ही गई, अब लग रहा है कि ये तुम हो। एक और नाराज हो गया, अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो घर जाओ, किस चीज का वेट कर रहे हो तुम। पर अयान फिर एक से अपनी डायरी मांगने लगा। एक फिर परेशान, कौन सी डायरी, मैंने कहा ना मेरे पास कोई डायरी नहीं है तुम्हारी, तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आता क्या। अयान बोलने लगा, एक तुम्हें मुझे हर वो जगह लेकर जाना होगा, लॉकर रूम से लेकर स्कूल और स्कूल से डॉर्मेट्री तक, और जब तक मुझे मेरी डायरी नहीं मिल जाती मैं सब चीज उथल पुथल कर रख दूंगा। एक उसकी बातें सुनकर परेशान, पर अयान ने हद कर दी, उसका मीट बॉल उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। एक उस पर चिल्लाने लगा, पर अयान तो बड़े मजे से मीट बॉल को चबाया जा रहा था। एक ने उसे थूकने के लिए बोला और अयान उसी पर थूकने वाला था, तभी स्टॉल के ओनर एक प्लेट खाना उनके लिए लेकर आ गई। गाइस ये कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर, आप दोनों ग्रोइंग बॉयज के लिए। दोनों ने आंटियों को थैंक्स बोला, लेकिन आंटी दोनों सवाल करने लगी, आप दोनों सिर्फ सिप हो या फिर रियल। अयान तो ये सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा। एक तुरंत दोनों को बताने लगा, आंटी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। पर अयान उन्हें बताने लगा, आंटी हम दोनों दोस्त से भी बढ़कर हैं। आंटी दोनों भी हंसने लगी। एक उन्हें बताता रह गया कि वो दोनों बस दोस्त हैं, पर आंटी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। एक गुस्से में वहां से उठकर जाने लगा, पर उसकी नजर सामने से आ रहे नियान, नोंग और नान पर पड़ गई। वो तुरंत टेबल के नीचे छुप गया। अयान को बात समझ नहीं आई। एक बताने लगा, वो देखो तीनों जम्स यहीं आ रहे हैं, अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अयान सवाल करने लगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लोग तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हैं। फिर वो उन तीनों को आवाज लगाने वाला था, पर एक ने उसे चुप कर दिया और खींचते हुए उसे साइड में लेकर आ गया। एक खुद भी चुप गया और उसने अयान को भी खींचकर बिठा दिया, पर अयान तो बस एक को ही देखे जा रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने एक को बोला, एक तुम्हारा बॉडी काफी गर्म है और अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, पास आओ थोड़ा। एक अयान के करीब आ गया, पर उसने अयान को वार्निंग भी दी, जब हम दोनों यहाँ से बाहर जाएंगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में होगे। दूसरी तरफ थोपू के स्टेप डैड उसे रिसीव करने आए। कान ने थोपू को धीरे से बोला, थोपू अगर ये तुम्हारे साथ कुछ करते हैं तो मुझे बताना, मैं इनसे डील कर लूंगा। पर स्टेप डैड के काम तेज थे, मैंने सब कुछ सुन लिया, कौन किससे डील करने वाला है। थोपू तुम जल्दी कार में बैठो, तुम्हारी मॉम डिनर के लिए वेट कर रही होगी। थोपू कार में बैठ गया, पर कान के आंखों में फिक्र और डर दोनों साथ में दिखने लगे। उसने थोपू को मैसेज किया, थोपू जब तुम घर पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, और हाँ तुम्हारे उस स्टेप डैड ने तुमसे कुछ कहा। तभी स्टेप डैड भी अंदर आ गए। थोपू ने तुरंत अपना फोन रख दिया। स्टेप डैड सवाल करने लगे, बॉयफ्रेंड था, थोपू ने नाम में जवाब दिया। स्टेप डैड बोलने लगे, कमोन थोपू बता दो, हम लोग न्यू एज में रहते हैं, और बाय द वे तुम्हारा आज का क्लास कैसा था। थोपू ने हर रोज जैसा जवाब दिया और रेडियो ऑन करने की परमिशन मांगी। स्टेप डैड ने परमिशन दे दी, लेकिन रेडियो पर न्यूज आने वाले सोलर इक्लिप्स की ही आ रही थी। स्टेप डैड को न्यूज पसंद नहीं आया और उन्होंने रेडियो बंद करने के लिए बोल दिया। थोपू के जाने के बाद कान ने वाट को कॉल लगा दिया, बुआ के डैड सच में बहुत डरावने हैं, क्या वो उसे हर्ट करेंगे, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, तुम्हें उसके डैड को देखना चाहिए जैसे मैंने देखा। वाट बोलने लगा, देखो कान तुआ मासूम है पर स्टूपिड नहीं, वो जरूर सरवाइव कर पाएगा, लेकिन कान आजकल तुम थोपू के लिए बहुत वरिड हो रहे हो, बात बहुत वियर्ड लग रहा है, पहले तो तुम उसके पीछे भी चलने से डरते थे कि लोग कहीं तुम दोनों को लेजेंडरी बॉयफ्रेंड ना बोलने लग जाए। कान तुरंत डिनाई करने लगा, वाट मैं वियर्ड नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, और तुम मेरे बिजनेस में अपने नाक घुसाना बंद करो, जाओ अपने बेकार से शॉर्ट फिल्म पर काम करो। फिर उसने कॉल कट कर दिया, लेकिन इसके साथ ही वो याद करने लगा कि थोपू का मजाक उड़ाने वाले लड़कों के साथ उसकी फाइट हुई थी, तब थोपू भी फाइट रोकने की कोशिश कर रहा था और उन लड़कों ने कान को बोला कि तुम्हें हमेशा खुद को बचाने के लिए अपने वाइफ की जरूरत क्यों पड़ती है। और थोपू जब उसकी चोट की ड्रेसिंग कर रहा था तब उसने पूछा था, कान सच बता, तुम नाराज मुझसे हो या फिर उन लड़कों से।
कान यादों से बाहर आया और बोलने लगा, दुआ मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। एक और अयान भी बीच से सीधे स्कूल पहुंच गए, पर रात में तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। अयान ने अपने जैकेट एक को पहना दिए। एक तुम इसे पहन लो और उस गार्ड से बातें करके ध्यान भटका उनका, और मैं पीछे की तरफ से अंदर चला जाऊंगा। पर एक उसे पकड़कर गेट के पास ले आया। अयान तो बहुत घबरा गया। एक ने गार्ड को आवाज दिया और उन्हें बताया, मेरा बुक अंदर ही छूट गया है, मुझे लेने जाना है प्लीज। गार्ड भी एक से वाकिफ है क्योंकि वो स्टूडेंट प्रिफेक्ट है। उन्होंने एक को अंदर आने दिया पर जल्दी वापस आने के लिए भी बोला, क्योंकि अगर मेन गार्ड को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों अंदर आ गए। अयान तो एक की तारीफ करने लगा। फिर दोनों पहुंचे क्लासरूम। अयान ने पूरे क्लासरूम में छान मारा, एक के बेंच पर भी देखा, पर उसे डायरी नहीं मिली। एक बोलने लगा, मैंने कहा था ना डायरी मेरे पास नहीं है। अयान सवाल करने लगा, तुम्हें मेरी डायरी क्यों चाहिए थी। एक बोलने लगा, मुझे चाहिए था पर मैंने नहीं लिया है। अयान नाराज, सच में तुम्हारा इस स्टूपिड स्कूल में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक सवाल करने लगा, अयान तुम्हारे लिए वो डायरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पर अयान ने उसे कुछ नहीं बताया और लॉकर रूम में चलने के लिए बोला। दोनों लॉकर रूम के अंदर आए। अयान ने एक को अपना लॉकर खोलने के लिए बोला। अयान ने फिर पूरा लॉकर चेक किया पर डायरी वहां नहीं मिली। अयान फिर एक को अपने दोस्तों के लॉकर खोलने के लिए बोलने लगा। एक परेशान, अयान मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास चाबी थोड़ी है। अयान चिल्लाने लगा, एक जैसे तुमने मेरा लॉकर खोला था। एक भी चिल्लाने लगा, अयान तुमने खुला छोड़ दिया होगा और अब हमें जाना चाहिए। बस तभी एक बिल्ली अचानक से लॉकर के ऊपर कूद गई। एक ने डर के मारे अयान को पकड़ लिया। अयान बोलने लगा, एक वो एक छोटी सी बिल्ली है और तुम इतने बड़े फिर भी डर रहे हो। एक तुरंत ब्रेव बनने की एक्टिंग करने लगा, मैं नहीं डर रहा, मैं तो इसीलिए चिल्लाया ताकि बिल्ली यहाँ और मैस ना फैला दे। अयान सवाल करने लगा, और वो हक, तुमने मुझे हक क्यों किया। एक बोलने लगा, मैंने तुम्हें हक नहीं किया, मैं बस तुम्हें बचा रहा था। अयान को भी एक की बातों पर हंसी आने लगी। सच में तुम परफेक्ट हो स्टूडेंट परफेक्ट लीडर के लिए। एक उसे वहां से चलने के लिए बोलने लगा और अयान बोलने लगा, डायरी मुझे किसी भी जगह पर नहीं मिली, तो हो सकता है वो तुम्हारी बॉडी में हो, अपना हाथ ऊपर करो। एक भी आज अयान के एक से एक अजीब हरकतों को झेल कर परेशान हो रहा था, फिर भी उसने हाथ ऊपर कर दिया। अयान उसके फुल बॉडी को चेक करने लगा और इसी बीच वो एक के एकदम करीब आ गया और अजीब से इशारे करने लगा। उसी टाइम गार्ड भी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए। एक ने तुरंत अयान को दूर धकेल दिया। गार्ड पूछने लगे, प्रिफेक्ट आपका काम हो गया। एक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हो गया, हम अभी जाने ही वाले थे। गार्ड तो चले गए पर नाराज एक अयान को बोलने लगा, अब खुशी हुई तुम्हें। लेकिन अयान बोलने लगा, अभी नहीं, तुम्हें मुझे एक और स्टॉप पर लेकर जाना है। एक ने अपना लॉकर को बंद कर दिया और दोनों पहुंचे एक के रूम। अयान ने रूम में आते ही सर्च करना शुरू कर दिया, ड्रॉवर टेबल सब कुछ छान मारने लगा। एक आराम से बोलने लगा, अयान मेरे पास नहीं है डायरी, प्लीज तुम मेरी चीजों को बिखेरना बंद करो, अब तुम घर जाओ। पर अयान बोलने लगा, देखो एक, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चीजों को इधर से उधर ना करूं तो मेरी डायरी मुझे वापस कर दो, और जब तक मुझे डायरी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज रात मैं यहीं सोऊंगा, और अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्टोरी रिवील कर दूंगा। एक समझ गया ढीठ अयान नहीं जाने वाला। कुछ देर बाद एक फ्रेश होकर अपनी मॉम से बात करने लगा। वो अपनी मॉम को चार लोगों के लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर करने को बोल रही थी। अयान भी ना आकर बाहर आया और उसने एक से टॉवल मांगा। एक ने उसे दे दिया। कॉल कट होने के बाद अयान बोलने लगा, एक तुम अपने पेरेंट्स के साथ जब बात करते हो तो बहुत स्वीट लगते हो, पर मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं रहते। एक सवाल करने लगा, तुम मेरे पेरेंट्स हो। अयान के पास कोई जवाब नहीं था। एक ने फिर अयान की तरफ पिलो फेंक दिया, तुम फर्श पर सो जाओ, वहीं तुम्हारा प्लेस है, और खुद बड़े आराम से बेड पर लेट गया। पर अयान ने पिलो को उठाया, उसे झाड़ा और एक के साथ बेड पर चढ़ गया। एक अचानक से चौंक गया और एक लात मारकर उसने अयान को गिरा दिया। अयान फिर एकदम से एक के करीब आकर बोलने लगा, तुम मुझे साथ में इसीलिए नहीं सोने दे रहे ना, क्योंकि तुम डटी सोच रहे हो। एक ने तुरंत ना में जवाब दिया। अयान बोलने लगा, तो फिर सोने दो साथ में। एक साइड हट गया और अयान भी बड़े आराम से बेड पर लेट गया। पर एक बहुत नर्वस हो रहा था क्योंकि अयान एक को टीज करने के लिए उससे चिपके जा रहा था। एक ने तुरंत उसे रोक दिया, देखो अयान, तुम मेरे और क्लोज आए तो मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। अयान ने भी हमेशा की तरह सेम जवाब दिया, और मैं तुम्हें किस कर दूंगा। एक नर्वस उसने तुरंत दोनों के बीच पिलो रख दिया और ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। आधी रात को अयान फिर अंकल डीका का सपना देखने लगा। उसने देखा अंकल डीका उसी खाई के किनारे खड़े हैं। अयान भी भागकर उनके पास पहुंचा, पर अंकल डीका ने अपने गले के चैन को कसकर पकड़ा और अयान की तरफ स्माइल कर दिया। और फिर देखते ही देखते अयान की आंखों के सामने वो खाई में कूद गए।
अयान नींद में ही छटपटाने लगा। वो बार बार अंकल अंकल बोलने लगा। उसे अंकल डीका की डेड बॉडी भी दिखाई देने लगी। एक भी आवाज़ सुनकर उठ गया। वो तुरंत अयान को कंफर्ट करने लगा, जैसे कि अयान को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक है उसके साथ। कुछ देर में ही अयान भी शांत हो गया। एक को पता नहीं क्या फील हुआ, उसने अयान को किस किया। अयान की आंखें भी खुल गई और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। अयान भी रिलैक्स हो गया, पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, एक भी उसे कंफर्ट करने में लगा हुआ था। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।